देख रहे हैं सिटीलियन न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान, सिटी इंडिया टीवी में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिज़ बाबा नगर पैलेस सिटी फंक्शन गार्डन में, जहाँ पर जो लोग बारिश की वजह से जो मुतासिर हुए हैं, जो लोग परेशान हो गए हैं, जो लोग बेसहारा हो गए हैं, जिनको कुछ नहीं है, बिल्कुल ही मुस्तहिक है, ऐसे लोगों को मदद के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हर कोई आ रहा है। लेकिन एक ऐसा इदारा, एक ऐसी तंजीम ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, इनकी जो स्कीम है यहाँ पर, अब इस वक्त जो इकदाम इन्होंने किए गए, इनकी जो इंतज़ाम है बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अनोखे हैं जी, बेहद ही बिल्कुल अलग है ये। जी हाँ, यहाँ उन लोगों को बिल्कुल ही सर्च किया गया है जिनको वाकई में बहुत ही परेशानी है, बहुत ही ज़रूरत है, जिनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ बह चुका है, बिल्कुल बेसहारा है, ना बर्तन है, ना खाने को कोई चीज़ है, नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए अच्छी तरह से पूरा सर्वे करते हुए उन तमाम लोगों को जांच पूछ कर नाम वगैरह लेकर तकरीबन आज 400 लोगों को ऐसे यहाँ पर दावत दी है, यहाँ पर उनको बुलाया गया है और उनको बाकायदा एक टोकन दिया गया है, और टोकन देकर ये कहा गया है कि आइए, हमने आपके लिए यहाँ कुछ सामान जमाया है, आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक यहाँ अपना सामान ले सकते हैं। आइए, वो क्या सामान है और क्या इंतज़ाम रखे गए हैं सफ़ा बैतुल माल की जानिब से, मैं आपको पूरा बताता हूँ और पूरा सर्वे कराता हूँ। आइए, अंदर चलते हैं, आइए। यह सफ़ा बैतुल माल के जो इंतज़ामिया आज यहाँ पर किए गए हैं सफ़ा बैतुल माल की जानिब से, इदारे की जानिब से, यहाँ आना होता है सबको। यहाँ पर आने के बाद यहाँ टोकन की इंक्वायरी होगी कि किसने टोकन दिया है, क्या है भाई, किस तरह से टोकन, मतलब किस किन किन लोगों को दिया गया, जिनको दिया उन्हीं को अभी दे रही है, पहले दे चुके, पहले सर्वे किया गया उसके बाद टोकन दिया गया। सर्वे में जिसका घर पूरा डैमेज हो गया उनको 10,000 का टोकन दिया गया, और जिसका थोड़ा डैमेज हुआ उनको 5,000 का डैमेज दिया गया, जो खाली पानी भर गया तो उनको 1,000 का पैकेज दिया गया, ऐसा टोकन इशू करे थे। जी, टोकन पे क्या क्या डिटेल्स रहेंगे? टोकन में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा वहाँ का एड्रेस रहेगा, और कितने का पैकेज है उसका अमाउंट रहेगा। कल हम लोग 5,000 का था, आज 10,000 का है ये पैकेज। इसी तरह कल 30 दिन में 1,000 का भी पैकेज रहेगा। तो ये थे टोकन के यहाँ पर देने के तरीके। अब देखिए, उसके बाद थोड़ा सा सर, ये देखिए, ये सामान है यहाँ पर, लोग अपनी मर्ज़ी मुताबिक यानी कि उनको जो ज़रूरत है उस तरह का सामान यहाँ पर ले सकते हैं। आपका सामान है भैया? जी, आपका है। आप बताइए, आपको मतलब क्या हुआ था और क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ी, और यहाँ पर आपको सामान लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा,
सामान पानी आने से पूरा सामान चले गया था, जिसकी वजह से घर पे आके सर्वे करके टोकन दिए। अभी तक कई तंजीमें ऐसी थी कि आते थे अपनी मर्जी मुताबिक, यानी कि तंजीम की मर्जी मुताबिक आपको दिया करते थे, लेकिन आज यहाँ पर अनोखा काम किया जा रहा है जहाँ आपको अपनी मर्जी मुताबिक, आपकी मर्जी मुताबिक लिया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा, हम सफ़ा बैतुल माल के शुरू से साथ है, बहुत अच्छी तंजीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। शुक्रिया आपका। आगे आइए, आगे बताते हैं आपको मैं। ये देखिए आप, आपका भी टोकन है इधर, ये टोकन है साहब। हाँ, आपका भी सामान कहाँ है, लिया ना अभी, क्या अभी लेने वाले हैं? लेने वाले हैं साहब। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या लिया? अरे अल्लाह लोगों को और ये करे साहब, हम लोग पूरा बर्बाद हो गए थे साहब, पूरा पानी आ गया था हम लोगों को, पूरा घर पूरा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से चले गया साहब पानी, पर करीब नहीं बोलते अभी 1.5 लाख के ऊपर का नुकसान होगा था उतना। अभी अल्लाह जो कर रहे हैं लोग, अल्लाह नेक तौफीक दे और दे लोगों को। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। यहाँ देख सकते हैं अब ये सामान, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सर्व करा दूँ। ये है जैसा कि तवे वगैरह जो बोलते हैं, अपना पैन है, यहाँ पर हर चीज़ ब्रांडेड है। ये देखिए यहाँ तक के गैस के जो पाइप्स होते हैं वो भी है, हर वो चीज़ यहाँ पर, हीटर है, ये मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंड है, आपको यहाँ पर तकरीबन चीज़ें। ये देखिए आप, घरेलू जो चीज़ें होती हैं, भगोने देगची वगैरह, हर वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे आइए और आपको बता दूँ, ये देखिए आप, कुकर है। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये में, यानी कि कम से कम वाला, यानी से जो भी सामान हो सकता है वो दे दे, बहुत ही अच्छी तरह से जहाँ तक हो सके, बहुत ही यानी कि इस्तेमाल में आई कोई चीज़ अगर ले तो। ये देखिए आप, ब्लैंकेट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ पर, और हर जो जो भी जगह पर जो भी प्राइस, जो भी सामान रखा गया वहाँ पर एक प्राइस लगा दिया गया है उस हिसाब से, क्योंकि एक आदमी को 10,000 रुपये का यहाँ पर लेना है, जो टोकन के हिसाब से रखा गया है पर हेड, यानी एक आदमी को यहाँ आना है, अपने 10,000 रुपये का जो टोकन दिया गया है, 10,000 का भी है, 5,000 का भी है, जो ज़्यादा मुस्तहिक हो चुके हैं, जो ज़्यादा बिल्कुल ही बेसहारा हो चुके हैं उनको 10,000 का है, जिनको मुख्तसर सा चाहिए जिसको, तो उनको 5,000 का एक टोकन बनाया गया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर लोग ले सकते हैं। 10,000 का यहाँ पर अभी यहाँ पर टोकन बनाया गया है, आज जो है वो 10,000 आदमियों के लिए, 10,000 का जो टोकन है उसकी यहाँ पर अजबारी है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये ब्लैंकेट्स वगैरह रखे गए हैं, ये देखिए आप, कुकर है यहाँ पर, और भी सामान बहुत है यहाँ पे, चावल यानी खाने पीने की गजाएँ भी है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये हर तरह की किस्म की चीज़, जैसे बेड्स वगैरह होती है किसी को घर में। देखिए आप आगे आइए, ये देखिए लेडीज़, आप कुछ कहना चाहेंगे सफ़ा बैतुल माल की जानिब से, आप लोगों को ये आपकी अपनी मर्ज़ी मुताबिक सामान दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, सबके लिए इतना कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए हम लोग भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनको और तरक्की दे, हमारे लिए भी बेहतर करें अल्लाह। आपके घर को मतलब जब बाढ़ आई थी, बारिश हुई थी, क्या क्या हुआ, क्या मतलब कुछ सामान कुछ नहीं रहा? पूरा चलेगा, हम लोग तो निकलने का मौका निकले थे कि 2 बजे रात को सब पुलिस वाले आके ऐलान कर रहे थे, तो हम लोग निकले थे कि हमारे घरों पे पानी आना शुरू होगा, पूरा फर्नीचर वो ये सब बहेगा। अल्लाह खैर करें, सबकी हिफाजत में बस जान बच गई, समझ जाइए सबके, ये तो शुक्रगुजार है। यहाँ पे देखिए आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो किचन का जो सामान होता है यहाँ पर है, हर चीज़ अलग अलग, यहाँ पर लोग अपने अपने थैले लेकर, देख सकते हैं आप, ये थैलों में भर कर ले जा रहे हैं लोग। देखिए आप यहाँ पर, ये चूल्हा स्टोव वगैरह जो है, ये चावल है। आइए, अहमद भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बहुत ही एक्टिव पर्सन है, हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं। आप पहले सबसे बताइए, आप एक्टिव कैसे रहते हैं, हमेशा हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं? असल में क्या है साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़ा बैतुल माल एक ऐसी तंजीम है, जब लोगों की आवाज़ हम तक पहुँचती है तो उनकी आवाज़ सुनने के बाद बेचैनी बढ़ जाती है, फिक्र इस बात की होती है कि हम कैसा उन तक पहुँच कर उनकी खिदमत कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर अहतमाम बालापुर के इलाके में हमने तकरीबन 300 ख़ानदानों को यहाँ पर मुंतखब किया है, और हमने एक टोकन बनाकर दे दिया है, और पहले सर्वे हुआ, उनके बाद सर्वे होने के बाद उनको सर्वे कार्ड दिया गया, जिनको सर्वे कार्ड दिया गया वो कार्ड लेकर शादी खाने में आ सकते हैं, जिसमें 10,000 रुपये का हम जो है सो उन अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने सामान ले सकते हैं, हम पैकेज नहीं बने, उनको ज़रूरत किस चीज़ की हमको नहीं मालूम, तो हमने इसीलिए 10,000 का एक उनको एक टोकन मुकर्रर कर दिया है, उनमें 10,000 में जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो ले सकते हैं, इसमें जो जो चावल है और चूल्हा है और घरेलू बेडशीट है और घरेलू सामान है और सिलेंडर है और तमाम चीज़ें ज़रूरत का सामान है, जिस चीज़ की भी वो ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्मीनान के साथ आकर ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 400 ख़ानदानों को यहाँ पर बुलाया है, गुज़िश्ता कल भी जो है सो तकरीबन 250 ख़ानदानों में ये पैकेज तकसीम किए गए, और इंशाल्लाह आइंदा हमारा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। करीब 50 लाख
का मालियाती ये तमाम चीज़ें हम फरख्त लोगों की आसानी के लिए हैदराबाद में जो बारिश हुई है उन बारिश से मुतासरीन के लिए ये चीज़ें हम फराहम कर रहे हैं। और ये कब तक रहेगा इसके बाद मालूम? इंशाल्लाह कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। हम सर्वे कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमको मालूम होगा मुस्तहिकीन है यहाँ पर लोग ज़रूरतमंद है तो हम इंशाल्लाह उनको ज़रूरत की पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जब तक हमको मालूम होगा तब तक हम ये काम जारी व सारी रहेंगे। अच्छा, क्या ये सिर्फ इसी इलाके में जैसे कि बाबा नगर है ये ओल्ड सिटी में, या फिर कहीं जैसे कि कहीं न्यू सिटी में भी यानी कि नए शहर में भी ऐसा हुआ है, इसके अलावा और हट के भी, तो वहाँ पर भी जाएंगे कि यहाँ पर रहेगा सिर्फ? नहीं नहीं, ये सिर्फ हैदराबाद में, हमको तो बालापुर नहीं है, हैदराबाद के जहाँ कहीं इलाके में, चाहे वो बालापुर हों दो या अलजुबैल कॉलोनी हों दो, हुदा कॉलोनी हों दो, नूर कॉलोनी हों दो, जहाँ कहीं हमको मालूम हुआ सफा बैतुलमाल को इल्म हो गया इस बात का कि यहाँ पर लोग मुस्तहिकीन हैं और बारिश से मुतासिर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुलमाल के लोग वहाँ पर फौरन पहुँचेंगे और वहाँ पर तहकीक करेंगे। जो लोग भी बारिश से मुतासिर है इंशाल्लाह शहर के किसी भी इलाके में रहने दो, इंशाल्लाह कोशिश इस बात की जाएगी कि हम उन तक आसानी के साथ ये सामान पहुँचा सकें। अभी यहाँ आपके कितने लोग यहाँ पर इस काम में लगे हैं, कितने स्टाफ आपका यहाँ पर मौजूद है? करीब तकरीबन 70 से 80 अफराद यहाँ पर बालापुर में अभी फिलहाल जो है सो लोगों की तकसीम में और लोगों के मुआवनत में, लोगों के तआवुन करने में हमारे खादिमीन भी आगे हैं। वैसे तो आज पहली मरतबा नहीं है बल्कि जब से ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, बारिश में जब कभी सफा बैतुलमाल को मालूम हुआ है कि अलजुबैल कॉलोनी में पानी आया, बाबा नगर में पानी आया या जो हुदा कॉलोनी में पानी आया, तो सफा बैतुलमाल शुरू से ही लोगों की खिदमत 24 घंटे, चाहे वो दिन का मंजर है तो या रात का मंजर है, तो हमेशा लोगों की खिदमत में आगे आगे रहा है। जी बिल्कुल। अभी इसमें यानी कि मर्द हजरात भी है, शायद लेडीज़ भी होंगी इसमें, तो लेडीज़ कितने हद तक है और जेंट्स कितने हैं? ज़रूरत के हिसाब से हम ख़वातीन भी सफा बैतुलमाल के वॉलंटियर्स मौजूद हैं माशाल्लाह से, जहाँ कहीं ख़वातीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अक्सर जो मुतासिरीन का घराना है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो मर्द हज़रात आ नहीं सके और कुछ लोग मुंतशिर हो चुके हैं, कई ख़वातीन यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमने इनकी ज़रूरत को महसूस कर ख़वातीन के वॉलंटियर्स के लिए यहाँ पर हमने बुलाया है। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम ख़वातीन वॉलंटियर्स भी सफा बैतुलमाल के पास मौजूद होते हैं, तो हम उनको भी बुलाकर उनसे खिदमत लेते हैं। शुक्रिया, आपने तफसीलात के हमको बताया, तो आगे और चलते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे ये सामान पूरा रखा है, जैसे कि कपड़े वगैरह भी हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर किसी के लिए यहाँ पर, और बिल्कुल ही नए कपड़े हैं ये, ऐसा नहीं कि यूज़फुल यूज़ किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर वो सामान बिल्कुल ही फ्रेश है सामान यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, पानी के घड़े वगैरह जो होते हैं, स्टील के घड़े वगैरह जो है, मिक्सर्स है, अपनी मर्ज़ी मुताबिक, यानी एक सुपर मार्केट में जब आप जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जो आप लेते हैं तो अपनी ही मर्ज़ी होती है और आपको पैसे देना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से एक सुपर मार्केट लगाया गया है, जो आप अपनी मर्ज़ी से आकर यहाँ पर सामान ले सकते हैं, जो कि आपको एक टोकन दिया जाएगा, बिल्कुल ही मुफ्त है आपको, बिल्कुल ही जो मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों के लिए दिया गया है। आइए अगर थोड़ा और सामान आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सर्वे आपको बता दूँ यहाँ पर। ये देखिए, जैसा कि किचन के जो सामान होते हैं उन सामानों के भी यहाँ पर जैसे डब्बे वगैरह होते हैं, पत्ती शक्कर के लिए, चावल या सॉरी अपना तेल, अपना दाल हो, ऐसी कोई भी चीज़ें रखने कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम, आप यहाँ पर टोकन लेकर आए हैं? तो आपका कहाँ तक, कितने का टोकन है आपका? 10,000 का है। हाँ, तो क्या हुआ था, मतलब कुछ बताएंगे आपको, और आज कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप भी अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, लेकिन वहाँ पैसे देना होता है या नहीं देना होता है, तो आपको कैसा लग रहा है आप ये इनकी खिदमत देख कर? अच्छा दिख रहा, खुशी हो रही, मतलब अच्छा दिख रहा, मतलब हेल्प कर रहे हैं सब आबे तो लोगों वाले, 10,000 की शॉपिंग है, अच्छा दिख रहा बस। क्या कहेंगे आप उनके लिए? मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे सफा बैतुलमाल वालों को जो आपके लिए यहाँ पर खिदमत लेकर आए हैं? आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सामान ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, और आपका क्या क्या नुकसान होता है, आपको क्या इससे भरपाई हो पा रही है, या फिर क्या कहना चाहेंगे आप? भरपाई तो थोड़ी बहुत हो रही, मतलब घर का पूरा टोटल सामान एक एक चमचा तक नहीं बचा, पूरा छत के ऊपर से जा रहा था पानी हम लोग, मदीना नगर में रहते हैं हम लोग, अभी इससे तो थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा ही हेल्प हो रही है, समझो सामान तो मिल रहा है कुछ तक। जो खिदमत कर रहे थे लोग जो अपने अपने तरफ से, तो ये जो खिदमत है अलग है, तो आपको ये कैसा लग रहा है आपको? बेहतर है इससे, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से ले सक रहे ना, यहाँ वो लोग जो दे रहे थे वो लेना पड़ रहा था, ये ज़रा बेहतर है अपनी मर्ज़ी से सामान खरीद रहे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, आपको अपनी मर्ज़ी मुताबिक आप यहाँ सामान लेकर जा रहे हैं, जैसा सुपरमार्केट में आप लेते हैं, आपको टोकन के ज़रिए यहाँ पर सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से आपको ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में?
बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाह रही हूँ, इतना गरीब की मदद कर रहे हैं। बहुत परेशान है लोग, खाने पीने की परेशानी से लेके वो परेशानी तो हल हो रही है, मगर बर्तन की बहुत परेशानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया जो सामान दे रहे, बस शुक्रिया आपका। तो ये है सामान, देखिए आप, दिल से लोगों की दुआएं निकल रही है, लोग दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी मुताबिक, जैसा आप अपनी सुपर मार्केट में जाकर लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ सफ़ा बैतुल माल की जानिब से यहाँ पर मौजूद है। आज है दो चार दिन जितना यहाँ ज़रूरत है, जिस हिसाब से उन्होंने सर्वे किया है उन लोगों को यहाँ पर टाइम एक वक्त मुकर्रर किया गया है, वो उस वक्त यहाँ पर आएंगे, अपनी मर्ज़ी से लोग सामान लेकर जा सकते हैं। जो हिसाब से जो टोकन दिया जाएगा 10,000 का भी है और 5,000 का भी है, वो उनके सर्वे के हिसाब से जिनको जितनी ज़रूरत है वो हिसाब से दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज 29 अक्टूबर जुमेरात का दिन है। आली जनाब मौलाना गयास अहमद रशादी साहब सदर सफ़ा बैतुल माल की दावत पर यहाँ जो रिलीफ दी जा रही है, इमदाद का नज़्म किया गया है, उसके मुआयने और मुशाहदे के लिए उन्होंने दावत दी थी, उनकी दावत पर मैं यहाँ हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात देखकर बड़ी खुशी हुई और ये एक गुरबा की मुस्तहिक हजरात की इमदाद और उनके तआवुन करने की अनोखी खिदमत, मुनफरिद खिदमत नज़र आई। और जिसको जिस सामान की ज़रूरत है वो सामान आसानी और सहूलत के साथ वो हजरात हासिल कर सकते हैं। इस वक्त शहर हैदराबाद में बारिश और सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है वो बेहद हिसाब नुकसान हुआ है। लोगों की 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल की जो कमाई थी और उसके ज़रिए से जो उन्होंने अपने अपने घरों को जमाया था, घर गृहस्थी का सामान इकट्ठा किया था, वो एक दिन और एक रात में सब गारत हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब असर नौ उनके घरों को फिर से आबाद करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जो तंजीम, जो जमात और जो पार्टी भी खिदमत कर रही है वो सब मिलाकर भी मैं ये समझता हूँ कि उनके नुकसान का 30% 40% की भरपाई भी नहीं हो सकेगी। इसलिए तमाम तंजीमों को आगे आने की ज़रूरत है और जिस तरह मुमकिन हो मुसीबत ज़दा आफत ज़दा मुसलमान गैर मुसलमान भाई और बहनों की मदद करने की ज़रूरत है। सफ़ा बैतुल माल मुल्क का, इस रियासत का और शहर का एक मुनफरिद इदारा है, मशहूर व मारूफ इदारा है। उन्होंने मुस्तहिकीन तक इमदाद पहुंचाने की जो शक्ल इख्तियार की है और उसकी जो तरतीब बनाई है वो तरतीब लायक तहसीन है, लायक तारीफ़ है और उसके ज़रिए से ज़रूरतमंदों को अपनी ज़रूरत का सामान हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी और उसके ज़रिए से उनको बड़ा नफ़ा और फ़ायदा होगा कि घर में जिस सामान की ज़रूरत है, जो सामान नहीं है वो यहाँ से वो हासिल कर सकते हैं। और उस सिलसिले में मुस्तहिकीन को उनका हक़ पहुँचाने के लिए पहले से जो सर्वे किया गया है और मुस्तहिकीन की जो निशानदेही की गई है और उन तक जो टोकन और जो फारम उन तक पहुंचाया गया है तहकीक के बाद, ये भी एक काबिल तारीफ और काबिल एतमाद अमल है। इसलिए कि इसमें मुस्तहिकीन महरूम नहीं रहेंगे और मुस्तहिकीन का हक कोई गैर मुस्तहिक हासिल नहीं कर सकेगा, ये इसमें एक इफादियत है और लोगों का तआवुन है, लोगों की इमदाद है। अल्लाह ताला इस इदारे की जानिब से की हुई इस तरतीब को कामयाब फरमाए और जो भी तंजीमें जमातें अपने अपने बिसात और अपनी अपनी हैसियत और इस्तात के मुताबिक काम कर रहे हैं उनको, उनकी खिदमात को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सारी तंजीमें मिलकर भी
मैंने जैसे कहा कि सारी तंजीमें मिल कर के भी उनका तआवुन करेंगे तो उनका जो नुकसान हुआ है उसकी 40% 50% भी भरपाई मुश्किल मालूम हो रही है, जजाए कि 100% उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जो हुकूमत है, जो हुकूमत तआवुन कर रही है, हम ये समझते हैं कि उन्होंने जो तआवुन का ऐलान किया है वो बहुत कम है, मसल मशहूर है। नुकसान के मुकाबले में उनके तआवुन की मकदार ऐसी है जैसे ऊँट के मुँह को ज़ीरा, जिस तरह ज़ीरे को ऊँट के सामने जो मुनासबत है, ऐसे ही हुकूमत की जानिब से जो मदद का ऐलान किया गया है उनके नुकसान के मुकाबले में ज़ीरे के बराबर है। इसलिए तमाम तंजीमों को आगे आने की ज़रूरत है, हुकूमत को और ज़्यादा फराख दिली के साथ उनकी ज़रूरतों को और उनके नुकसान को पूरा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सब की खिदमत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम ऑटो चलाते बच्चे यहाँ कर रहे हैं, पेपर पे दिया ना, हाँ बच्चे यहाँ कर रहे हैं, बच्चे जाते हैं ऑटो भी चले गया। चलिए आइए बात करते हैं जी। आप बताइए आपके मतलब क्या क्या नुकसान हुआ था आपको, किस तरह से क्या क्या सामान दिया गया? घर ही पूरा डूब गया, बस यहाँ पे सामान दे रहे, कोई लोग आके थोड़ा खाना देते, चावल की दाल, पौ किलो दाल, आधा किलो चावल, ऐसा पोटियाँ बना के दे रहे जो भी है। अभी आपको यहाँ पर सभा बैतुल माल के हमारा को मिला, टोकन मिला, आपको अपनी मर्जी मुताबिक यहाँ सामान दिया गया, हमारे मर्जी के माफिक ले रहे, दिमागी सुकून मिला एकदम, बस दिमागी सुकून मिला। क्या कहना चाहेंगे अभी? बस जो भी अल्लाह उनको सहायता दो, मदद कर रहे। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ पर। इसी तरह के मैं अपडेट्स लेकर आपके सामने आता रहूँगा। कैमरामैन जमील के साथ मैं जफर खान, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। दोस्तों अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।